हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 अमेजिंग मखाने की रेसिपी। मखाने को हम फॉक्स नट्स भी बोलते हैं या फिर लोटस सीड्स भी बोलते हैं। हम लोगों ने व्रत में बहुत खाए होंगे मखाने, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग फैक्ट है जो आपको नहीं पता होगा कि मखाने जो हैं वो वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड सुपर्ब है। मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा देती हूँ मखाने एज इवनिंग स्नैक, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग एक स्नैक ऑप्शन है। कैल्शियम में बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसीलिए फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। डायबिटीज़ के लिए, PCOS के लिए, थायराइड के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये। ये हाई इन पोटेशियम होता है, लो इन सोडियम होता है, इसीलिए हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, इसीलिए ये वेट लॉस के लिए सुपर्ब है, क्योंकि आपको बहुत देर तक फुल रखता है ये और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होने देता। बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए अमेजिंग है। बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है आपकी और एंटी एजिंग भी है। आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो गाइस, चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि अपने 3 टाइप के मखाने किस तरीके से बनाती हूँ मैं। इंडियन मसाला मखाने बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन को गैस पर रख दिया है, सिम टू मीडियम फ्लेम पर। इसमें 1 स्पून हम देसी घी डालेंगे एंड इसमें थोड़े से मखाने हम रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर सिम टू मीडियम रहेगी एंड इसको हम लैडल को चलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि मखाने जले नहीं और बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएं। अब देख लेते हैं मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए कि नहीं। एक मखाना हमें टेस्ट करना है, बस इसको दोनों हाथों के बीच में हम प्रेस करके तोड़ के देखते हैं। अगर ये अच्छे से टूट जाएगा तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ा सा यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम सारे स्पाइसेस के साथ ताकि सारे स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से मर्ज हो जाएं। एंड दैट्स इट, आर मखाना आर एब्सोल्युटली रेडी। इसको सर्व कर देते हैं हम। इसको आप शाम को अपनी ग्रीन टी के साथ एक छोटी कटोरी ले सकते हैं एंड अगर आपको नमकीन या चटपटे की क्रेविंग होती है तो आप इसको खाइए इंस्टेड ऑफ एनी पैकेज स्नैक्स। ये आपको बिल्कुल भी वेट गेन नहीं देगा। एक पैन ले लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मूंगफली ले ली है, पीनट्स, इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे हम। अब डाल रही हूँ इसमें गरी या सूखा हुआ नारियल या ड्राई कोकोनट जिसको हम बोलते हैं, इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे 1 कटोरी मखाने ले रही हूँ मैं, अच्छे से रोस्ट कर देंगे इसको जब तक ये बहुत अच्छे से कुक ना हो जाए, रोस्ट ना हो जाए। अब एक मखाना हम चेक कर लेते हैं, इसको मैं हाथ में लेके अच्छे से प्रेस करूंगी, अगर ये टूट जाएगा ऐसे तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। ये देखिए, ये बहुत क्रिस्प हो गया है। अब इसको सर्व कर देते हैं, बिल्कुल रेडी है हमारे मखाने खाने के लिए। सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगते हैं इसको बनाने में और ये बहुत ही अमेजिंग एक स्नैक है। अपनी इवनिंग टी के साथ आप इसको ले सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फिलिंग है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिलिशियस और यम्मी भी है। गाइस, इटालियन स्टाइल मखाने खाए हैं कभी? नहीं ना, चलिए बनाते हैं। एक पैन में हमने 1 स्पून देसी घी डाल लिया है, इसमें हम थोड़े से मखाने रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर सिम टू मीडियम रहेगी एंड कंटिन्यूसली हम मखाने रोस्ट करते रहेंगे, लैडल चलाते रहेंगे ताकि मखाने जले नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा हम ऑरिगैनो सीजनिंग डाल देंगे,
थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ले रहे हैं यहाँ पर हम, थोड़ा सा सॉल्ट ले लेंगे एंड दैट्स इट। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे के सारे स्पाइसेस अच्छे से मखाने को कोट कर लें। दे आर एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व। इसको आप अपने शाम की ग्रीन टी के साथ खा सकते हैं एंड आप इसको किसी एयर टाइट जार के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं एंड दे विल बी गुड फॉर अ वीक और 10 डेज एंड दे आर वेरी वेरी टेस्टी। तो कैसी लगी आपको मेरे 3 टाइप के मखाने की रेसिपी? आई होप आपको पसंद आई होगी। इनको ज़रूर ट्राई करिए। आप शाम को अपनी ग्रीन टी के साथ इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी टाइप के मखाने को आप यूज़ करिए। एक छोटी कटोरी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी स्नैक ऑप्शन है। तो अब आप बंद करिए मंच करना वो पैकेट वाले नमकीन और बिस्किट्स को। आप इनके ऊपर मंच करिए और ये आपको अमेजिंग वेट लॉस भी देंगे और साथ ही साथ ये इतने हेल्दी हैं, इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। इसको ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में। तो गाइज अगर आज की मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसको थम्स अप जरूर दीजिएगा, इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर करिए और उनके साथ भी ये नॉलेज बांटिए कि फॉक्स नट्स यानी कि मखाने आपके लिए कितने अमेजिंग हैं वेट लॉस के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से उसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल गाइज। बाय फॉर नाउ।